बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सऊद और मैं अपने आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और एक्सरसाइज है 3.1, पेज नंबर है आपके पास 121 और इस पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 14, इसका पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बुक में से क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ के इसके डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है खिरो जो गुजर रही है, द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है पार्ट नंबर 4 में, ठीक है। पहली वाली को आप L1 सपोज कीजिएगा, लाइन L1, और दूसरी वाली को लाइन L2 सपोज कीजिएगा। एंड पैरेलल है टू द एक्सिस ऑफ y, और एक्सिस ऑफ y के पैरेलल, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल। अब सबसे पहले हम डायग्राम समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने x एक्सिस ये y एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये दो लाइंस L1 और L2 गिवन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन L रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है। ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, इसकी इक्वेशन आपको मालूम करनी है। आइए सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइंस, पहली वाली लाइन को L1 सपोज किया 2x - 3y + 4 = 0, सेकंड वाली को L2 सपोज किया 3x + 3y - 5 = 0। लेट L बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। यूजिंग k मेथड इस्तेमाल करते हैं, L1 + k L2 = 0, आपने यहां से L1 की वैल्यू उठा के रिप्लेस कर दी और L2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक। अब मैं इस k को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, तो 2x - 3y + 4 + 3kx + 3ky - 5k = 0। इसको जनरल फॉर्म बनाने के लिए x कॉमन निकालेंगे और y कॉमन निकालेंगे, तो मैंने x कॉमन निकाला तो 2 में से 2 + 3k हो गया x, और ये y की टर्म यहां से y कॉमन निकाला तो 3k पॉजिटिव नंबर पहले लिखा, माइनस वाला बाद में लिखा, 3k - 3 * y, और cos टर्म 4 - 5k = 0 कर लिया। इसको अगर मैं लाइन L1 सपोज करूं तो मैं लिखूंगा इट इज ऑफ द फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0। x का क्वेश्चन a1 है, यहां पे x का क्वेश्चन 2 + 3k, इसको कंपेयर कर लिया। y का क्वेश्चन b1 है और यहां पे y का क्वेश्चन 3k - 3 हो गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 इज पैरेलल है टू y एक्सिस के, आपको नजर आ रहा है y एक्सिस के, और आप ये बात जानते हो कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है, x = 0, क्योंकि y एक्सिस पर x क्या होता है, 0 होता है, तो x = 0 इक्वेशन आ गई y एक्सिस। अब इस x = 0 को हम कंपेयर करेंगे इसकी जनरल फॉर्म से। हमने कहा इट इज ऑफ द फॉर्म a2x + b2y + c2 = 0, यहां पे x का क्वेश्चन क्या है 1, तो a2 की वैल्यू क्या है 1, यहां पे y क्या है एब्सेंट है, तो इसका मतलब b2 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो चीज एब्सेंट होगी वहां पे वो क्या कंसीडर करेंगे 0। यूजिंग पैरेलल लाइन कंडीशन a1 b2 - a2 b1 = 0, आपने क्या करना है, ये a1 b1 a2 b2 इसमें रिप्लेस करना है और सिंप्लीफाई करना है। जब यहां पे रिप्लेस किया तो ये तो फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई का खत्म हो जाएगा, माइनस साइन को 3k - 3 से मल्टीप्लाई किया, -3k + 3 = 0, -3 को इधर शिफ्ट किया, 3k = 3, 3 से 3 कैंसिल, k = 1 आ गया। पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में डालें 1 इज इंप्लाइज इट, 2x - 3y + 4 + k = 1 मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। अब बस मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा और रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां तक आप स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद मैं यहां पर ये रिमूव करूंगा, तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, 2x - 3y + 4 + 3x
प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ये थ्री वाई और ये कैंसिल, थ्री ओवर टू फाइव एक्स, फोर माइनस फाइव माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लाइन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपनी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह तआला नए सवाल के सोल्यूशन में जाने के लिए देखते रहिएगा सब सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।